जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में दृष्टि आईएएस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए, कांडला बंदरगाह का अभी नया नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में देखिए राज्य का नाम नहीं दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे कच्छ की खाड़ी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 1881 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना हुई थी। और भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ध्यान रखना है, नियमित पूछे तो रिपन के शासनकाल में और पहली जनगणना पूछे तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तीसरा प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? चलिए आंसर बताएंगे तीसरे के लिए, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ग्यानीमीड, यहाँ पे लिख देते हैं, ग्यानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे शनि दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या फिर उपग्रह है। अगला प्रश्न है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस बुक में सभी प्रश्न बहुत ही सोच समझकर रखा गया है, इसलिए आप सभी एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस ना करें। आपको डेली 8:30 बजे लाइव चैट के साथ क्लास करना है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है 90 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक में। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के कटक में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये फिलीपींस के मनीला में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, फिलीपींस के मनीला में। और क्या है? तो ADB का मुख्यालय है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। जिनेवा की बात करें तो WHO, WTO, इन सभी का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ध्यान रखना है। और रोम जो है ये इटली की राजधानी है, रोम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क कर लेंगे, एग्जाम में छप सकता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था?
तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं लॉर्ड एलनबरो ने। याद रखना है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो हमने आपको बताया था इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और अंत करने में सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है और यहाँ पे नेशनल पार्क है मानस, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। काजीरंगा पूछा जाता है, ये भी असम में है, ध्यान रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1839 में। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? चलिए आठवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था पूछा जा रहा है तो ये है आत्मीय सभा। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है बंबई में और इसका प्रथम अधिवेशन भी बंबई में ही 1885 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन बना था? तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? चलिए दसवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल, यहाँ पे लिख देते हैं जॉर्ज यूल, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, कब की थी आपको बताना है। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर है 20 फरवरी 1947 को। तो सही जवाब है फरवरी 1947 में घोषणा की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए ये किस आर्टिकल के आधार पर दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या है? सी ऑप्शन सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है।
तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है ये संसद के पास है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, संसद के पास है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? केवल राज्यसभा में, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को देते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 16वें प्रश्न का आंसर है संथानम समिति, याद रखना है संथानम समिति। और इस समिति की स्थापना कब होती है? तो फरवरी 1964 में, ये भी ध्यान रखना है। बिहार में अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिहार की राजधानी तो सभी को पता है कहाँ पर है, पटना है। और एक प्रश्न बनता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो याद कर लीजिए 3 फरवरी, डेट क्या है? 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछे भारत में कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और नया जो बना है अमरावती हाई कोर्ट सबसे नया है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? कैमूर में है बिहार में अनुपम झील। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना बिहार में पटना में किया गया था। कब? तो 16 दिसंबर 1916 को। किसकी अध्यक्षता में? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में। यहाँ जो ऑप्शन ए में दिया गया है, मजहरुल हक इसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है सरफराज हुसैन। पटना में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 19वें प्रश्न का आंसर है अंबिका कांत सिंह ने पटना में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुख सियर का। बी ऑप्शन सही जवाब है। कब? तो 1713 में। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे आते हैं। तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा? मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, अभी तक सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। सेशन पसंद आता है तभी लाइक करना है। तो 22 का आंसर क्या होगा? कटिहार। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो 23 का आंसर क्या होगा? सी शेखपुरा, याद रखिएगा शेखपुरा का क्षेत्रफल न्यूनतम है। और ज़्यादा किसका है? तो कैमूर का है। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से
किस शासक से संबंधित था? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो एहोल शिलालेख जो है किस शासक से संबंधित था? तो सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। और एहोल शिलालेख के लेखक कौन है? तो रविकृति, इसको भी ध्यान रखना है। रविकृति जो है एहोल शिलालेख के लेखक थे। मोइनुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो 25 का आंसर क्या होगा? सही जवाब है मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता था। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? तो हमने आपको बताया था अनुच्छेद 61 में। तो 26 का आंसर क्या है? डी ऑप्शन, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? चलिए आंसर बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत। और देखिए, नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में उल्लेख मिलेगा और अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 11। मैला आंचल नाम का एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा के रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैला आंचल नाम का जो एक हिंदी उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा, ये फणीश्वरनाथ रेणु, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बुद्धू भगत के द्वारा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, अगर आप लोग इसके साथ साथ टॉपिक वाइज जीके जीएस या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं, तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए आप सभी 30 के लिए आंसर बताएंगे, कौन सा यौगिक है जो क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जिलिक। और नींबू में क्या पाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है? चलिए बताएंगे कौन सा हार्मोन है। तो देखिए, ये सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, वैसोप्रोसीन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? वैसोप्रोसीन। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? चलिए, तो देखिए, कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य से सिपाही में
अब तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है, तो याद कर लीजिए सही जवाब है लाइसोसोम। मीथेन में किस प्रकार का आवंद होता है? तो देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4 और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, याद रखना है मार्स गैस। और इसमें किस प्रकार का आवंद होता है? तो सह संयोजक आवंद होता है। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, कब आए थे? तो इस प्रश्न के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो देखिए आदि ग्रंथ का संकलन जो किया था सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव इन्होंने किया था। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा सही जवाब। और दादा भाई नौरोजी को याद रखना है, इन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, यहाँ से आपको 2 प्रश्नों को याद रखना है। ये जो पारित किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, यहाँ पे लिख देते हैं लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। और निरस्त किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था। तो पारित कब हुआ था? 1878 में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो याद कर लीजिए चार्ल्स मेटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल, आपको सिर्फ ध्यान रखना है चिरोल। तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।